अस्सलामु अलैकुम तलबा व तलबात, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अपने घरों में जारी रखे होंगे। हम लोगों ने बच्चों सबक नंबर 13 जन्नत में घर की पहले पढ़ाई की, फिर हमने उसके अल्फाज मानी लिखे और याद किए, फिर हमने उसके सवाल जवाब लिखे और याद किए। आज हम इस सबक का किताब का काम करेंगे, ठीक है? आप लोग अपनी किताब का सफा नंबर 77 को ओपन करें, हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, पढ़ें और सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। हमें ये अल्फाज दिए गए हैं, बनाते, घर, काम, अल्लाह ताला, असर। इन अल्फाज की मदद से हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स को पूर करना है, जुमले को मुकम्मल करना है। जी, हम करना शुरू करते हैं। नेकी का डैश बहुत दूर तक जाता है। जी, नेकी का आप लोगों ने पहले पढ़ा है, नेकी का असर बहुत दूर तक जाता है। नेकी का असर बहुत दूर तक जाता है और डैश नेकी करने वालों को जन्नत में डैश देते हैं और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को जन्नत में घर देते हैं। इसलिए नेकी के डैश करते रहें और जन्नत में अपने घर डैश रहें। इसलिए नेकी के काम करते रहें और जन्नत में अपने घर बनाते रहें। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ये खाली जगह पूर करनी है, जुमलों को मुकम्मल करना है अपनी किताब के अंदर। अब हम सवाल नंबर 3 पे आते हैं, ये है अल्फाज साजी। इसके अंदर हमने क्या करना है, हम पढ़ते हैं। मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए खानों में अल्फाज तलाश करें और मुतलका खानों के गिर्द दायरा लगाएं। हमें ये अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर, ये आप लोग देख रहे हैं, ये अल्फाज हमें दिए गए हैं, चिड़िया, बूढ़ा, दरख्त, लागर, घोंसला। और हमें यहाँ पर ये एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ हरूफ लिखे गए हैं। इन हरूफ को मिलाकर हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। तो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ये देखें, पहला लफ्ज है चिड़िया, ये देखें, इन्होंने चिड़िया को हमने यहाँ पर ऐसे इसको सर्कल में ओवल शेप में इसको बना दिया, ठीक है। दूसरा वर्ड है बूढ़ा, बे वाओ रे हे अलिफ बूढ़ा, ये हमारा क्या बन गया, बूढ़ा। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, दरख्त, दाल, रे खे और ये हो गया ते, दरख्त, ये हमने बना दिया दरख्त। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लागिर, लाम अलिफ गैन और रे, ये हमारे पास बन गया लागिर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास घोंसला, गाफ हे वाओ नून सीन लाम अलिफ, ये हमारे पास क्या बन गया, घोंसला। इसी तरह आपने इनको हाईलाइट करना है, इन वर्ड्स को, ओके? इसको आपने अपनी किताब के ऊपर सॉल्व करना है।